दोस्तों, एक तरफ जहां पिछले साल घमासान चल रही थी 2023 में, बॉक्स ऑफिस पे डंकी और सलार को लेकर चर्चाएं थी, काफी प्रमोशन हो रही थी। इसी बीच एक फिल्म जो कि विधु विनोद चोपड़ा जी की दर्शाई हुई फिल्म है, जिसका नाम है ट्वेल्थ फेल, उसने एक अलग जगह बनाई। ना इतना ज्यादा खास प्रमोशन हुआ, उतने लोगों ने बड़े बड़े बैनर नहीं लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म ने अपनी किस्मत जो है खुद चमकाई। और विक्रांत मैसी और मेधा का जो करेक्टर है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और रियल लाइफ पे एक नॉवल पे बेस्ड है फिल्म, और आईपीएस ऑफिसर की कहानी को दर्शाती है। और रियल लाइफ में ही इस तरह का ही कुछ हुआ था उनकी लाइफ में भी, जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, जिसके ऊपर ये फिल्म निर्मित है। तो कशिश, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आप इंटरव्यू भी करके आई हैं विक्रांत मैसी का, और उनको काफी टाइम बाद ऐसा एक कोई रोल ऑफर हुआ है जहां पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और कंगना रनौत, जो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें पहले उनको ट्रोल करती हुई नजर आई थी, अब वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गेम चेंज हुई है, एक एक ये जो फिल्म है गेम चेंजर साबित हुई है विक्रांत मैसी के करियर में, और एज अ पर्सन वो किस तरह के हैं? जी हाँ, जब मैंने उनका इंटरव्यू करा था 12th फेल का, तो वो काफी मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सबसे जेंटलमैन टाइप के इंसान है। सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मैंने भी उनसे बात करी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा वेलकम करा। हालांकि वेलकम मुझे करना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा वेलकम बहुत अच्छे से करा। और प्लस और आप वेलकम मेट्रो से भी हाँ, आते 12th फेल जो मूवी है वो एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर बेस्ड है, और ये उनकी वाइफ जो मेधा शंकर, इस मूवी में मेधा शंकर और विक्रांत मैसी, ये दोनों ही वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं और बहुत हम्बल है, नेचर वाइज बहुत हम्बल है। और ये जो पूरी स्टोरी है मूवी है, ये कहीं ना कहीं जो उनकी बहुत गरीब बिल्कुल होते हैं, ये अपनी लास्ट बहुत स्ट्रगल करा होता है इन्होंने, तो उस मूवी में वो जब एक पेपर क्लियर करते हैं, तो वो वाला सीन मैंने देखा, उसमें बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं। और जिस तरह से, जो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मेधा और विक्रांत मैसी का जो दिखाया कि अगर आपके साथ कोई फीमेल सपोर्ट हो तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, और एक बड़ी अच्छी बात भी दिखाई है कि चाहे आप कुछ करते हो चाहे ना करते हो, अगर आप सच में किसी प्यार करते हो, किसी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप वो चाहे कबाड़ी वाला हो चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, प्यार जो है सेम रहता है कहीं ना कहीं। कशिश, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी, कि ये फिल्म ओपनहाइमर और बारबी जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ के अब ये पहले नंबर पे आईएमडीबी रेटिंग में आ गई है, तो बहुत ही बेहतरीन एक फिल्म कहीं है। ना कहीं जब ये 12th फेल आई थी ना, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी हमारी बहुत ज्यादा आगे चलेगी। उनको सिर्फ इतना, मैंने उनसे पूछा था कि ये मूवी आ रही है आपकी, और अभी इस वक्त इतने सारे हाइप्ड स्टार्स हैं, शाहरुख खान है, और भी सलमान खान सनी है, देओल थे उस वक्त, गदर आई थी, तो उन्होंने यही बोला कि हम इनसे कंपटीशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे। और जनता तक ये मैसेज ऐसा पहुंचा कि ये मूवी सीधा ऑस्कर के लिए चली गई। बिल्कुल ऑस्कर के लिए मूवी चली गई, कशिश ने बिल्कुल सही कहा। कशिश, आखिरी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमें ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री देखने को मिली, तो एक दूसरे के साथ इनकी बॉन्डिंग कैसे है, क्योंकि आपने दोनों के साथ ही बातचीत किया, तो किस तरह दोस्ती है दोनों की? दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। जितना मैंने उनसे 10 मिनट बात करी थी, तो उसमें यही लग रहा था कि हाँ, बहुत ही अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। ऑन सेट तो हमने पूरी मूवीज देखी है, पूरी इनकी मूवी देखी 12th फेल, उसमें तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऑन स्क्रीन, ऑफ सेट, कैमरे, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत अच्छे लग रहे बिल्कुल। थे। और मिर्जापुर में छाप छोड़ने के बाद, वो भी एक सीरीज थी, अब हॉटस्टार पे उन्होंने छाप छोड़ी है 12th फेल की वजह से, और बहुत लोग इसे प्यार कर रहे हैं। और कशिश ने मुझे बताया भी था एक बात कि जब ये धूप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद बोला था कि आप यहाँ छाव में आ जाओ, तो एक वही जेंटलमैन और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन नेचर होता है वही आगे उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और अभी तक आपने 12th फेल नहीं देखी तो जरूर जाके देखो, मस्ट, आपको मैं बोल रहा हूँ, सजेस्टेड एक वेब सीरीज है, हॉटस्टार पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। और और अब बहुत ही हाँ अच्छा मैसेज उससे मिलेगा, हम अपनी लाइफ में भी उस मैसेज को आजमा सकते हैं। और वाकई में मूवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल, सबको देखनी तो आप अपनी फैमिली के साथ जाके उस मूवी को देखें, घर पे एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड, तो मस्ट वॉच ओटीटी, हम आपको एक सीरीज बता रहे हैं, जरूर देखिएगा, और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।